ना ओवैसी साहब तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में हमेशा खड़े रहते ही हैं। जो जुबान ओवैसी साहब बोल रहे हैं वही जुबान तो भारतीय जनता पार्टी बोलती है। आए थे लड़ने के लिए, कुछ मिला नहीं सिवाय 2-4 हजार वोट काटने से। वोट कटुआ बोलता है हम लोग के इलाके में। भाजपा का पक्का समर्थक वोट कटुआ ओवैसी जी जाएं हैदराबाद में बिरयानी खाएं। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देखिए जिस तरीके से ओवैसी ने कहा कि जिस तरीके से बिहार में घटना हुई है उस पे सियासत हो रहा है ना। ओवैसी साहब तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में हमेशा खड़े रहते ही हैं। जो जुबान ओवैसी साहब बोल रहे हैं वही जुबान तो भारतीय जनता पार्टी बोलती है। बिहार की सरकार को वो के ऊपर जो कटाक्ष कर रहे हैं तो इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हैदराबाद से आए हुए आदमी वहीं सीमित रहे एगो जगह में और डिवाइड करो और फूट डालो और शासन करो कि नीति उनके दिमाग में रहती है। उनको पार्लियामेंट में जितना समय दिया जाता है एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को एक पार्टी के, तो ये वही पैटर्न है। भारतीय जनता पार्टी का वैचारिक तंत्र कब किसको अपने साथ ले करके अपने अपना काम सेकेगा ये कहना मुश्किल है। तो वो उसका हिस्सा है, हम लोग मानते हैं उनको और उनकी वजह से नुकसान होता है, वो अपना राह संभाले ज्यादा बेहतर है। बिहार सरकार पे भी हमलावर हैं और कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी और ओवैसी दोनों हमलावर हैं, तो इसका मतलब समझ रहे हैं, इस गलबहिया और दोस्ती का मतलब समझ रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रमजान चल रहा है इफ्तार पार्टी में गए थे, उस दौरान कह रहे हैं कि टोपी पहनने जाने से और गमछा ओढ़ने से सुख दुख नहीं मारे भाई। तो उनके कहने से क्या हो जाएगा, ये तो हमारी परंपरा का हिस्सा है। हम कहीं जाते हैं किसी मंदिर, हम टीका नहीं लगाते हैं? लगाते हैं। चलिए हमारे इलाके में दुर्गा पूजा होता है, 12-14 जगह पर जाते हैं, टीका लगाते हैं, ये भी लगाते हैं, लाल धागा भी लगाते हैं। हमारे देश की विरासत विभिन्न सभ्यताओं विभिन्न मान्यताओं प्रतिष्ठानों से धर्मों से मिलकर बनी है, ये मिलीजुली मुश्तरका तहजीबी अलामत है, कंपोजिट कल्चर है। तो हम करते हैं, उनको इसलिए तकलीफ है कि उनका चल नहीं पा रहा है। क्या नहीं चल? वो चाह रहे हैं कि पोलराइजेशन की सियासत में हमको कुछ मिल जाए। आए थे लड़ने के लिए, कुछ मिला नहीं सिवाय 2-4 हजार वोट काटने से। वोट कटुआ बोलता है हम लोग के इलाके में उनको, ओवैसी जी को वोट कटुआ बोलता है। भाजपा का पक्का समर्थक वोट कटुआ ओवैसी जी जाएं हैदराबाद में बिरयानी खाएं। एक सवाल लास्ट रहेगा, तेजस्वी यादव को लेकर कहा है कि उन्होंने केवल ट्वीट करते हैं, किसी को मुंह से मिलते नहीं है, जो घटना हुआ उसके बारे में नहीं, केवल ट्वीट करते हैं। गलत बोल रहे हैं वो। कल सद्भावना यात्रा थी, सब राजद के लोग, तमाम गठबंधन के लोग थे। हम कह रहे हैं ना कि भाजपा और ओवैसी एक ही जुबान बोल रहे हैं, इतनी पक्की दोस्ती है, रसगुल्ला छिल के खा रहे हैं, रसगुल्ला छिल कर खा जी। तो चलिए, ये कांग्रेस के विधायक शकील अहमद थे, किस तरीके से जो ओवैसी ने बयान दिया था उसके बाद साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये भाजपा के ही टीम है और कहीं ना कहीं इनका कहना है कि वो रसगुल्ला छील के खाते। उतना ही नहीं, इन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि जो ओवैसी साहब हैं वो वोट कटवा है, केवल वोट काटने के लिए जानते हैं और हमारे इलाके में इनको वोट कटवा ही कहा जाता है। देखिए, जो इस तरीके से ओवैसी ने बयान दिया था उसके बाद अब काफ़ी कुछ उनके ऊपर सियासत तेज हो गई। बिहार की राजनीतिक में इन दिनों जो माहौल बना हुआ है वो काफ़ी दिलचस्प है। तमाम लोग अलग अलग तरीके के प्रतिक्रिया दे रहे हैं, खास करके सासाराम और नालंदा के घटना को लेकर। बाकी की तमाम खबरों के बने रहे लाइव स्ट्रीम के साथ। धन्यवाद।